नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े आप लोगों को बताएंगे, जानेंगे देश और दुनिया में क्या है हालात। तो वहीं दोस्तों बात करेंगे तबलीगी जमात के मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर उठे कई सवाल। तो वहीं दोस्तों बात करेंगे 15 अप्रैल से चलेंगी यात्री ट्रेनें, रेलवे ने की तैयारियां पूरी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे यूपी और दिल्ली में भी लागू हुआ कांग्रेस सरकार का मॉडल। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का खुलकर के बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 5,734 हो गई है। अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से, जो कि काफी दुख की बात है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें 5,734 लोगों में से 472 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,135 हो गई है। तो वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 हॉटस्पॉट को सील करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में अब तक 670 मामले सामने आ चुके हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया गया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15,17,095 पहुंच गई है। वहीं 88,441 लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया भर में इस बीमारी से अब तक 3,29,955 लोग ठीक भी हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों ये कुछ जरूरी आंकड़े सामने निकल के आए, ताजा आंकड़े थे हमने आपको बताए। आइए एक और अपडेट जान लेते हैं। 15 अप्रैल से फिर चल सकती हैं ट्रेनें, 4 घंटे पहले पहुंचना होगा स्टेशन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लॉकडाउन के चलते बंद हुआ ट्रेनों का परिचालन 15 अप्रैल से एक बार फिर से शुरू हो सकता है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन को दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल तैयार कर लिया है। नए प्रोटोकॉल के तहत मुसाफिरों को ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले सभी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग पास करने वाले मुसाफिरों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा जिन मुसाफिरों को बुखार, खांसी, जुखाम की शिकायत होगी उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें यात्री सिर्फ स्लीपर क्लास में ही कर सकेंगे यात्रा ट्रेन में। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, तबलीगी जमात के कार्यक्रम को इजाजत कैसे दी। आप लोगों को दोस्तों बता दें दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर के राजनीति अब गर्म हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर के केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सवाल उठाए हैं। अनिल देशमुख ने जारी बयान में कहा है कि मुंबई के उपनगर वसई में 15 और 16 मार्च को तबलीगी एकत्रित होने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत कैसे दे दी। अनिल देशमुख ने आगे कहा है कि निजामुद्दीन स्थित जो मरकज है उसके बिल्कुल समीप में एक पुलिस स्टेशन है, इसके बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका? क्या इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस तरह मरकज में नाजायज तरीके से इतने सारे लोग इकट्ठे हुए जिससे कोरोना की यह महामारी पूरे राज्य में फैली, क्या इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? किसने और क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रात के 2 बजे मरकज में भेजा? क्या यह काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का है या दिल्ली पुलिस कमिश्नर का है? अनिल देशमुख ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तबलीगी मरकज के मुखिया रात को 2 बजे मरकज में ऐसी क्या गुप्त मंत्रणा कर रहे थे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अभी तक इस पर अपना जवाब क्यों नहीं दिया है? ये यहां पर जोरदार हमला बोला गया है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से, और उन्होंने यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पर उठाए हैं कई सवाल और कहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम को आखिर इजाजत कैसे दी गई। यहां पर इस सब के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार है। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है इस खबर पे, अपनी राय जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कोरोना संकट के बीच महिला डॉक्टरों पर हमला, कहा तुम लोग कोरोना फैला रही हो। आप लोगों को दोस्तों बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे स्वास्थ्यकर्मी खुद को खतरे में डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला दिल्ली का है, यहां घर का सामान खरीदने निकली दो महिला डॉक्टरों से बदसलूकी और मारपीट की गई। मारपीट करने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि उन दोनों की वजह से पूरे शहर में कोरोना फैल जाएगा, साथ ही दोनों पर हाथ भी उठाया। इन डॉक्टरों ने अपने साथ हुई इस बदसलूकी की कहानी भी सुनाई है, जिसके बाद यहां पर काफी हड़कंप भी मच गया। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, आइए एक और अपडेट जान लेते हैं। यूपी और दिल्ली में भी लागू हुआ भीलवाड़ा मॉडल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले दोनों ही सरकारों को भीलवाड़ा मॉडल की कॉपी थमा दी थी और उसे अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया था, लेकिन इस पर समय रहते काम नहीं किया गया था। लेकिन अब बढ़ते मामलों को देखकर आखिरकार यूपी और दिल्ली में भी वही रणनीति अपनाने का फैसला किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और यूपी की योगी सरकार ने राज्य के तमाम हॉटस्पॉट को चिन्हित कर सील कर दिया है यहां पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, भीलवाड़ा मॉडल बिल्कुल अलग था। राजस्थान सरकार ने 19 मार्च को कोरोना का पहला मामला आने के बाद ही 20 मार्च को सबसे पहले हॉटस्पॉट, बफर जोन और आउटर जोन को चिन्हित किया था। उसमें से हॉटस्पॉट पर सबसे पहले दिन में 11 बजे ही दूध, सब्जी और दवाई की दुकान जैसी आवश्यक चीजों की दुकानें भी बंद करवा दी थी। पूरे इलाके को 3 लेयर में सील कर दिया गया था, हर जगह है पुलिस तैनात कर दी गई थी। और उसके बाद दिन में दोपहर 2 बजे सुपर कर्फ्यू का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से। ऐसे में लोग चाहकर भी घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि एक तो पहले से पुलिस का पहरा था और दूसरा कोई भी दुकान खुली नहीं थी। खुद राजस्थान के डीजीपी मौके पर पहुंच गए थे। इस बीच इन 2 घंटों में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इतनी तैयारी कर ली कि हॉटस्पॉट के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो जरूरी सामान थे उसे पहुंचाने का इंतजाम कर लिया। लोगों को हाथ के हाथ कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए गए थे, जहां पर वह फोन कर जरूरी सामान मंगा सकते थे। सब्जी और दूध पहुंचाने के टाइम टेबल का भी ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकले ही नहीं, इसलिए यहां पर भीलवाड़ा में काबू कर लिया गया था कोरोना को। तो ये था भीलवाड़ा मॉडल, जो राजस्थान सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए, हमने आप लोगों को बताए, जो कि अब उत्तर प्रदेश और यूपी में भी वही भीलवाड़ा मॉडल लागू हो चुका है। तो वही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम की जमकर के तारीफ, तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ऐसे दिया जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोविड-19 के इलाज के लिए जूझने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि असाधारण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है। इस पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने कहा है कि वह डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि पूरी तरह से आपसे सहमत हूं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इस जैसा समय दोस्तों को करीब लाता है। भारत अमेरिका की साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत है। भारत कोविड-19 के खिलाफ मानवता की लड़ाई में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हम इसे एक साथ मिलकर के जीतेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, ट्वीट कर ट्रंप ने मोदी की उनके मजबूत नेतृत्व के लिए प्रशंसा की और कहा कि संकट के दौरान भारत की मदद को भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि असाधारण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है। ये यहां पर ट्रंप की तरफ से बातें कही गई थी, जिस पर कि नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान लॉकडाउन में छूट की पूरी तैयारी, हाईवे पर ढाबा खोलने की होगी इजाजत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई लंबी है, इसे लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। तो वहीं राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी हाईवे पर 40 किलोमीटर की दूरी में ढाबे खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा पंचर वाले, मैकेनिक और मोटर ऑटो पार्ट्स की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 22 मार्च से ही लॉकडाउन लागू हो गया था। जारी आदेश के मुताबिक दोस्तों आप लोगों को बता दें, राज्य में ई कॉमर्स कंपनियां होम डिलीवरी कर सकेंगी, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गोदाम और वेयर हाउस खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाओं की अस्पतालों में आपूर्ति होती रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, खाद बीज की दुकान के काम में आने वाले पार्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी। ये यहाँ पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जारी किया है आदेश और यहाँ पर लॉकडाउन में मिलने लगी है कुछ हद तक छूट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, केंद्र के नक्शे कदम पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड सरकार विधायकों की सैलरी में कटौती। आप लोगों को दोस्तों बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार के साथ राज्य सरकारें भी कदम से कदम मिलाकर के चल रही हैं। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी में कटौती और 2 साल के लिए सांसद निधि पर रोक लगा दी है। केंद्र की इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने विधायकों की सैलरी में कटौती और विधायक निधि फंड रोकने का फैसला लिया है। हालांकि ये तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के सभी मंत्री, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की सैलरी में 30% की कटौती और 1 साल के लिए विधायक निधि को खत्म करने का फैसला लिया है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत